अरे तुम अब तक यहाँ बैठे हो? मैं हर रोज यहाँ इसी तरह से बैठता हूँ। हाँ। पीठ कुर्सी पर और पैर जमीन पर और दिमाग पुलिस चौकी पर। अरे अक्कल के दुश्मन, तुम भूल गए हो क्या? क्या भूल गया? क्या आज हम लोगों को स्विमिंग जाना था? ओ नो, आज स्विमिंग नहीं जाते, आज बहुत काम है। आज कोई बहाना नहीं, कम ऑन गेट अप। अरे अरे चलता हूँ ना, कपड़े तो बदल लेने दो। इतना तो मेरा कमिश्नर भी नहीं डांटता जितना तुम डांटती हो। जल्दी करो। आता आता हूँ, थोड़ी दादागिरी करती है। मिल गई हीरोइन, मिल गई इंडियन स्क्रीन पर चमकने वाला चांद, मिल गया। आपकी तारीफ। अजी लानत भेजिए, आपकी होती है हमारी क्या तारीफ। अजी हम तो आपके सामने गाली खाने के लायक भी नहीं है। आहा, ऐसी हीरोइन को देखकर पब्लिक की तो। क्या मतलब? आप छिपी सिपी साहब को जानती? हाँ? शोले वाले, मैं सीधा उन्हीं के घर से आ रहा हूँ। क्या है ना, अपना और उनका एकदम घर का मामला है, फैमिली फ्रेंड्स। कहने लगे बेटा आजकल कुछ मजा नहीं आ रहा, पुरानी हीरोइन अम्मा बनती जा रही, कोई नया चूजा लाओ, ताला फूल। इस फूल को देख कर तो वो चुम चुम कर मेरा मुंह ही भिगो देंगे। अबे ओ फ्रॉड, चोर भी अपना इलाका छोड़कर चोरी करता है। तू तो मेरे ही घर में डाका डालने आया है, ये तेरी होने वाली भाविया है। बाप रे बाप, भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी गलती होगी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं इसलिए ऐसे बकवास कर गया। मुझे लात मारो या हाथ मारो, कुछ भी मारो, लेकिन मारो भाभी। तुम ही राजा हो ना? काय का राजा भाभी, आज इस हरकत ने शराफत की दुनिया मुझे भिखारी बना दिया है। अच्छा भाभी, आपकी कोई रिश्तेदार नहीं है? सुधर जा, सुधर जा। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था ना, तू मारता क्यों है? पूछताछ बाद में करना। अरे सुधर जा बाप, सुधर जा। एक कोई बेचारा बरसों से भूखा हो और अनाज का एक दाना उसके मुंह में नहीं गया हो, और दूर से उसको चिकन बिरयानी और तंगड़ी कबाब नजर आए तो उसकी क्या हालत होगी? देख आज तू कबाब में हड्डी मत बनना। जाऊं? जाने देना। जा बाप जा। रवि, तुम्हारा ये आजाद पंछी कहाँ उड़ गया है? लगता है उस लड़की के कंधे पे घोंसला बनाना चाहता है। मतलब? मतलब ये कि वो उससे दोस्ती करने गया है। आहा काजल जी, मेरी जिंदगी में एक ही तमन्ना थी जो आज पूरी होगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले मैं काजल किरण का काजल अपनी आंखों में लगाऊं, जो हमेशा किरण की तरह चमके। वो तमन्ना आज पूरी होगी। अब मैं बूढ़ा के मर भी गया तो मुझे परवाह नहीं। वैसे मेरा नाम राजा कपूर है। आपका राज कपूर के साथ कोई रिश्ता है क्या? रिश्ता? खून का रिश्ता, दिल का रिश्ता, जिगर का रिश्ता। उन्हीं के साथ तो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, ऐसी जबरदस्त फिल्म बना रहा हूँ कि पब्लिक देखी ना तो पब्लिक की तो। और अगर आप इस फिल्म में काम करेंगे ना तो आप हिंदुस्तान की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगे, और डायरेक्टरों की ऐसी लाइन लगी जैसे धारावाहिक में घासलेट की लाइन लगती ना वैसे लग जाएगी। अच्छा? अरे राज कपूर फिल्म के डायरेक्टर हैं, राज कपूर। राज कपूर फिल्म के डायरेक्टर हैं? फिर मैं ऐसी वैसी जगह तो हाथ डालता ही नहीं। तुम्हारा रोल क्या है इसमें? रोल क्या? अगर तुम रोल सुनोगी ना तो खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ दोगी। आप मुझे कहानी सुनाइए ना। हाँ, यहाँ नहीं, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो यहाँ इस होटल में हमारा एक कमरा है जहाँ हमारी स्टोरी की सेटिंग चल रही है। अगर आप चलें तो वहाँ आपको हम सब कुछ डिटेल में समझा देंगे। अच्छा चलिए। चलो। थैंक यू रीमा। लगता है दोस्ती होने वाली है। गुलशन, गुलशन, गुलशन को देखा मैंने, बैग भी उसके हाथ में। चल अब जल्दी कर। अरे लेकिन वो मेरा रोल। अरे पहले विलन को तो पकड़ ले, बाद में तेरी कहानी फिट करता हूँ मैं।
ओफो, कहाँ गया वो हीरो शिवलाल यादव? कुछ पता चला मुंशी जी? जी हाँ, वो एक लड़की के साथ भाग गया जिसकी वो प्रेमिका थी। नहीं, मेरा मतलब है वो लड़की उसकी प्रेमिका थी। सत्यानाश हो उसका। अब क्या होगा? शो होगा। मगर कैसे? लोग तो हॉल में आ चुके हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि मुकाबला लड़का और लड़की के बीच में है, और लड़के को ना पाकर वो तो सीट कुर्सी सब तोड़ डालेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और जाकर किसी एक्टर को पकड़ कर ले आइए। हाँ, मैं किसी न किसी को तो पकड़ ही लाऊंगा, लेकिन समझ गई। बहुत है जी। और जल्दी। हाँ जी। पता नहीं इतनी जल्दी में कहां से कोई पी। अनिल कपूर, अनिल कपूर जी, अनिल कपूर जी, अरे अनिल कपूर जी, अरे अनिल कपूर जी, आप हिंदुस्तान के इतने बड़े हीरो होकर इस फटीचर हालत में यहाँ क्या कर रहे हो मियाँ? ओ भाई साहब, आपने भंग पी रखी है, आप पागल हो गए हो। मैं कोई अनिल कपूर शपूर नहीं हूँ। लेकिन तुम तो बिल्कुल अनिल कपूर लगते हो मेरे पपैया। मेरा काम और भी आसान हो गया। तुम्हें नाचना गाना तो आता ही होगा ना? हाँ, क्यों? बात दरअसल ये है कि हमने आज यहाँ पर एक शो रखा है और हमारा हीरो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया है। तुम जरा अंदर चलो और थोड़ा नाच गा लो ना। अबे ओ गंचक्कर, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ और तुम मुझे नचवाना चाह रहे हो? मियाँ किसी और को ढूंढो। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे ना। अबे आना। हजार रुपया है, नाचेगा ना? अरे इस हजार रुपए में मैं क्या, मेरा पूरा खानदान नाचेगा। तो चल अंदर। ओ भाई साहब, जरा मेरी बात सुनेंगे? मैं अनिल कपूर जैसा नहीं हूँ। क्या? अनिल कपूर मेरे जैसा है। क्या समझा? समझ गया मेरे बाप। अब अंदर चल। चला, मेरा काम हो गया। अब क्या होगा? साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, जरा है, आओ 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 आओ, अरे जरा हटो, आओ मेरे पपैया। ले आया सीमा जी। मुंशी जी, जी ये आप किस जोकर को पकड़ लाए? जोकर? नहीं नहीं सीमा जी, क्या नहीं नहीं, शकल देखी है इसकी आपने? एकदम छछुंदर दिखता है। अरे ओ पालतू चिपकली, कभी अपनी शकल देखी आईने में? आईना भी देखकर कांप जाता होगा। क्या तुमने मुझे चिपकली कहा? वो भी पालतू? यू यू आप यू यू करती रह जाएंगी और लोग पर्दे फाड़ कर अंदर आ जाएंगे और आपको ऐसा फाड़ देंगे कि आपके घर वाले भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें देख लूंगी। देख लीजिए, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से देख लीजिए। हिंदुस्तान में वन पीस हूँ, जो आदमी एक बार देख ले कभी भूल नहीं पाता। चलता मुची। अरे तू कहाँ जा रहा है मेरे पपैया? गुस्सा थूक दे अनिल कपूर। सीमा जी, वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए, शो का टाइम हो गया। एक मिनट मुंशी जी। ठीक है, तो तुम्हें गाने का बड़ा शौक है। अच्छा तो तानसेन की छठी औलाद, इस मुकाबले में मैंने तुम्हारे छक्के नहीं छुड़ाए ना, तो मेरा भी नाम सीमा नहीं। अरे वो तो लोगों की तालियों की गूंज ही बताएगी कि कौन कितने पानी में है। क्या रे फुलत्रु, शानपटी करता है क्या? मेरे को अकेला नहाते देखकर सड़ेले आम के माफी छत से कर निकल है? नहीं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है तो फिर तेरा ध्यान किधर है? सर पलटने तो तेरी आंखों की माँ क्या कर दूंगी। अरे अरे अरे, कहाँ फंस गया यार? वो गलती तुम्हारे छत की है, तुम्हारा छपरा कमजोर था इसलिए मैं गलती से अंदर आ गया। लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी होकर भी नंगी ना आती है, शर्म नहीं आती? क्यों, तू कपड़े पहन कर आता है क्या फुलत्रू? हाँ नहीं, हाँ नहीं, 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 नहीं। तू निकलता कि नहीं आते? नहीं तो ऐसे ही बाहर आ जाओ। नहीं ऐसे मत आना, मत ऐसे मत आना, मैं जाता जाता मगर मैं बाहर किधर से जाऊं? उधर से। उधर से? उधर से किधर से? उधर से। किधर से? उधर से। किधर से? अरे फुलत्रू, उधर से, उधर से, मैंने कहा ना उधर से। किधर से? उधर से। अबे जाता है क्या बाहर? जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ।
आ गया है। लोग सड़क छोड़ के छत पे भागता। तीन जागे कुफर भागे, शैतान की हड्डी कुत्ता लेके भागे। मुर्गा हजम बकरा हजम या जंगली पीर चला दे तीर। दोस्तों, आप लोगों ने फूलों को अंगारे बन देखा होगा, लेकिन अंगारों को फूल बनाने वाला एक ही जादूगर है, जादूगर रवि कुमार। मेहरबानों, आप लोगों ने शरीर से दिल को अलग होते हुए देखा है? नहीं, मैं बताता हूं। ज़िगज़ैग लेडी, यहां ये। मेहरबानों, देखिए ये बॉक्स खाली है। अब ये ज़िगज़ैग लेडी इस बॉक्स में जाएंगी और मैं इसे बंद कर दूंगा। अब रवि कुमार का माया जाल शुरू होता है। जंगली पीर चला देती। अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब इनका दिल शरीर से अलग हो जाएगा। वन टू थ्री। लड़की सही सलामत। दोस्तों, आपको ये अंडा नजर आ रहा है? हाँ। फिर देखिए जादूगर रवि कुमार का कमाल। वन टू थ्री। मगर दोस्तों, इन तालियों से काम नहीं चलेगा। आप लोग बताइए मेरा अंडा है कहाँ? देखिए, मैं शरीफ आदमी हूँ, शरीफ आदमी का अंडा चुराना अच्छी बात नहीं है। बताइए मेरा अंडा है कहाँ? आपके पास है? नहीं। आपके पास है? नहीं। आपके पास है? हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका नाम? उषा। उषा, हाँ उषा जी, इधर उठिए प्लीज, उठिए उठिए। देखिए अंडा। आप अंडा के ऊपर आइए प्लीज, घबराइए मत। आइए उषा, आइए। थैंक यू। अब देखिए संडे का दूसरा कमाल। तीन जागे कूपर भागे, शैतान की हड्डी कुत्ता लेके भागे। अंडा जाम कबूतर कम। उषा जी, ये लीजिए आपकी भादरी का देवदास। हेलो तारा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए? हो सकता है कि खुशी अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। हाँ याद है, लेकिन खुशी अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि खुद अपने पैरों से चल के तुम्हारे पास आ रही है। बताओ मैं तुम्हें किसे मिलाने लाई हूँ? किससे तारा? डॉक्टर खटपतिया और उनके असिस्टेंट डॉक्टर चेरीबुजी। हेलो। हेलो। अरे इतना मायूस दिखाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अब आ गए। और अब तुम्हारा ऐसा इलाज होगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके ओके। नहीं डॉक्टर, मेरा ठीक होना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल काम नहीं है, चलना तो बहुत मामूली बात है। अगर तुम भागने न लोगे तो हम किस काम के डॉक्टर हैं? डॉक्टर खटपतिया। खटपतिया, क्या देवता वाकई भागने लगेगा? क्यों नहीं, हम भगाएंगे इन्हें। सुना सुना देवता, ये सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इलाज शुरू करने से पहले हम तुम्हारा प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ लेना चाहते हैं डॉक्टर जड़ी बूटी। यस डॉक्टर खटपतिया। क्यों, कुछ महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो सिर्फ तुम्हारा चेकअप होगा, फिर हम सोचेंगे कि इलाज करना है और कैसे करना है। बिल्कुल गुदगुदी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा होगा। डॉक्टर जड़ी बूटी, लगता है इनको ठीक से चेक करना पड़ेगा, ठीक से। यस डॉक्टर।
कुछ हुआ? नो एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या अभी नहीं? नो डॉक्टर जड़ी बूटी, मेरे ख्याल से एक ही जगह पर इनको दो तीन बार जोर से मारा जाए तो शायद इनको पता चले। ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल पता नहीं चला। रुक जाइए डॉक्टर, इन्हें दर्द हो रहा होगा। तारा जी, काश इन्हें दर्द हो, तकलीफ हो। अगर इन्हें तकलीफ हुई तो समझे इनके पैरों में जान आ गई, ये ठीक हो गए। ठीक तो ये हो ही जाएंगे डॉक्टर जड़ी बूटी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुना हो। रात भर का है मेहमान देरा, तारा जी किसके रोके रुका है समीर। देखिए डॉक्टर, आपकी बातें सुनकर इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाउ स्वीट। हाँ तो मिस चांद। तारा। आई एम सॉरी मिस तारा, तो मैं कह रहा था कि रहने दीजिए। डॉक्टर, आई थिंक वी शुड बी फ्रैंक, साफ साफ बात कीजिए। जी कहिए ना, क्या बात है? मिस तारा जय सिंह, मैं आपको एक मामले के बारे में होशियार कर दूं। आप देवदास के सामने कभी पैसों का या फीस का जिक्र मत करना प्लीज। मैं समझी नहीं। देखिए, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी मदद कर रही हैं। एक लड़की से धोखा खाकर देवदास का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, उसका अपने ऊपर से भरोसा उठ गया है। उसकी कुछ इस तरह की फीलिंग हो गई है कि मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक गीत याद आ गया, शायद सुना हो। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर चला। अब अगर दूसरी लड़की ने उसके ऊपर 3 लाख 5 लाख का एहसान रख दिया तो उस एहसान के नीचे तो वो कुचल जाएगा। हो सकता है हमारे कॉम्प्लेक्स के बेचारे का धड़ बेकार हो जाए और सर भी हिलाने के काबिल न रहे। हर सर से पांव तक सिर्फ एक टैचू बन जाए। टैचू? ओह माय गॉड, नहीं नहीं डॉक्टर जड़ी बूटी, मैं उसके सामने कभी पैसे का नाम भी नहीं लूंगी। वेरी गुड 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 गुड। हेलो तारा। हेलो देवदास, मगर तुमने ये घंटी कैसे बजाई? बताऊं? ऐसे। आओ। मैं इस वक्त तुमसे कुछ बात करने आया हूँ तारा। जरूर, लेकिन पहले बताओ कि पियोगे क्या? कुछ नहीं, पहले तुम यहाँ बैठो। बैठो बैठो ना। क्या बात है देवदास, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, इतना ठीक तो मैं शायद जमाने से नहीं था। तारा, मैं समझ गया हूं कि मेरी बीमारी जिस्मानी नहीं जज्बाती है। अगर मैं अपने आप को मायूसी और नाउमीदी के अंधेरों से बाहर निकाल सकूं तो मैं फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, फिर चल सकता हूं। तुम ठीक कह रहे हो देवदास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और उसके लिए मुझे दुनिया की किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक लड़की ने मेरी मोहब्बत को बर्बाद करके मुझे इस व्हीलचेयर पर बिठा दिया था। तुम मेरी मोहब्बत की दुनिया को आबाद करके मुझे इस व्हीलचेयर से उठा सकती हो तारा? ये तुम क्या कह रहे हो देवदास? हाँ तारा, तुम मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। कल रात भर जैसे कोई मेरे कानों में कहता रहा कि अगर तारा तुझे हिम्मत दे, तारा तुझे हौसला दे, अगर तारा चाहे तो फिर उठ सकता है, तो फिर चल सकता है। हाँ देवदास, तुम चलोगे, मैं तुम्हें हौसला दूंगी, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी, तुम चल सकते हो देवदास। हाँ तारा तुमसे कह रही है, उठ जाओ, उठो देवदास। मगर 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 कैसे? बात सुनो, अपने ऊपर यकीन करो, तुम उठ सकते हो। उठो देवदास, उठो। देवदास, हिम्मत मत हारना, कोशिश करो।
घबराओ मत तारा, मैं चल सकता हूँ। मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे कोई खटपटिया नहीं चाहिए, कोई जड़ी बूटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए तारा। आ गया दीनदास, और आ गया। मैं आ रहा हूँ तारा, आई एम कमिंग। माय गॉड, मैं चल रहा हूँ तारा, मैं चल सकता हूँ तारा, की बदलती। वेल डन देवदास, वेल डन। कंग्रेचुलेशन देवदास। देखा मिस तारा जयसिंह, देखा? आप लोग देवदास, ये लोग जीनियस हैं। देखो इन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया। लेकिन मैं तो खुद ही। तुम्हें पता है, इन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि शायद आज तुम यहाँ आओगी, और अगर आए तो जरूर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगी, चलने लगोगे। मगर आप लोगों को ये कैसे पता चला डॉक्टर? हमारे मरीजों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं, हम जानते हैं कौन कैसे कब ठीक होगा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। लेट्स सेलिब्रेट। चैंपियन। वो रखिए। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। आई एम सो हैप्पी। क्या बात है देवता, तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे जितना तुम्हें होना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ। बात को समझो, इस बेचारे ने इतने दिनों तक अपने गम को छुपाए रखा, अभी अपनी खुशी को छुपा रहा है, वरना इसका दिल मारे खुशी के यही कह रहा है। मेरी जवानी के जमाने का मशहूर गीत है, शायद सुनाओ। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इसके वक्त इसके मन में खुशी का एक तूफान मच रहा है, ये हमारी खुशी के बेहोश भी हो सकता है, बेहोश हो जाएगा। यू आर राइट डॉक्टर, मैं इस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा। इस खुशी में कि तुम अपने पांव पर खड़े हो गए हो, और तुम हम सबको अब चलते दिखाई दोगे। चीयर्स डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर चाय बूटी। चीयर्स देवता। चीयर्स। देवदास, देवदास, क्या हुआ देवदास? देवदास, डॉक्टर क्या हो गया इसे? अरे बेहोश हो गया। चीयर। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये बेहोश क्यों हो गया डॉक्टर खटपटी? मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त इसके अंदर एक खुशी का तूफान मचा हुआ है, ये बेहोश भी हो सकता है। और ये हुआ? यस डॉक्टर, यू आर अ जीनियस। अब सुनिए, आपको क्या करना है, इसके होश में आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए, इसकी जिंदगी से बहुत दूर। मगर क्यों डॉक्टर, अभी तो ये ठीक हुआ है। माय मिस तारा जयसिंह, क्या तुम चाहते हो कि इसके पांव दोबारा बेकार हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो हम कहते हैं वो करो। देवदास को यकीन होना चाहिए कि वो खुद अपनी वजह से ठीक हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। तभी इसमें आत्मविश्वास आएगा और अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, जैसा आप कहें। जाने से पहले आपकी वो 5 लाख। क्यों नहीं डॉक्टर जड़ी बूटी, ये अभी जा रही है, अब आप इनसे 5 लाख रुपया कैश ले लीजिएगा। गुड बाय मिस कैश, आई एम सॉरी गुड बाय मिस तारा जयसिंह, मुझे तो सुबह तक इनके सिरहाने बैठना पड़ेगा। इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, आजकल की दुनिया में सब संतराम डाके की तरह नहीं होते के दूध की बोतल हाथ से छूटी के खड़े हो गए अपने पैरों पर, और इन लड़कों का कोई भरोसा है क्या? जरा ठंडे दिमाग से काम लेना। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कों में बड़े और छोटों की तमीज ही नहीं रही। माँ घर पे राह देख रही है और बेटे घर से गायब। मेरे बेटे होते तो गला ही दबा देता। अबे नारद की औलाद, लगा दी फिर तूने घर में। भैया मैं दूध का पानी, पानी का दूध। तब बोल, मेरा मतलब है दूध का दूध, पानी का पानी कर रहा था। अगर तेरी वजह से अंदर कोई गड़बड़ हुई तो तेरा तो राम नाम सत हो जाएगा भैया। नहीं होगी भैया, जाता हूँ। माँ मैं आ गया, सॉरी माँ लेट हो गया। माँ मारना मत, आज अपने गुरु का जन्मदिन है ना। अरे उसका जन्मदिन है इसीलिए व्रत रखा है मैंने, उसकी खुशियाँ और लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। पर तू कब सुधरेगा? 4 पल का काम हो तो 4 दिन लगा कर आता है। कुछ शर्म कर, नौकरी का इम्तहान दिया अरसा हो गया, पर तेरी तरह नतीजे का भी कोई नामो निशान नहीं। तो क्या समझता है, हाथ दिखाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? हाँ ले ले ले। अरे माँ बेटा, तू ये मैंने क्या किया? आज जन्मदिन के रोज तुझे तोहफा देने की जगह छड़ी मार दी।
इसके आगे एक भी लफ्ज कहा तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। मैंने किसी और की कोख से जन्म लिया, इसकी तू देवर मुझ में भेदभाव रखती है ना। अरे कैसी बावले जैसी बातें करता है तू, मेरे लिए जैसा देव है वैसा तू। तो फिर ये आंख में आंसू क्यों? माँ का प्यार हो, डांट हो या मार हो, बेटे के लिए तो आशीर्वाद होती है ना। जुग जुग जियो मेरे बेटे। अरे क्या बात है माँ, क्या खीर बनाई है। अरे ओ गुरु जल्दी आ, देख क्या खीर बनी है। गुरु, अरे माँ क्या खीर बनाई है, जी जाता है खीर के साथ साथ उंगलियां काट गाऊ। हाँ इसका पेट नहीं ओखली है, ओखली तेरे हिस्से की भी चट गया। अरे माँ ये देखो कटोरा इसने ऐसे साफ कर दिया कि इसे धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाचा झूठ मत बोल। माँ ये झूठ बोल रहा है, अगर ऐसी बात है तो माँ की कसम खा के बोल कि मैंने तेरे हिस्से की भी खीर खा ली। अरे माँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, इसने देखो ये कटोरा ऐसे सफा चट कर दिया कि इसने मेरे हिस्से की।